हाय बच्चों, मैं सीमा शैलजन आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साइंस बेसिक्स जूलॉजी पर वेलकम करती हूँ। बच्चों, इस वीडियो में जितने भी बेसिक टर्म्स हैं यूज़ होते हैं जेनेटिक्स में, उन सारे बेसिक टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि जब आप जेनेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करें तो चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हों या एमएससी के स्टूडेंट हों या फिर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीएसआईआर, नेट हो गया, सेट हो गया, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और अगर आपके सिलेबस में जेनेटिक्स है तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं और जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो बेसिक टर्म हो गया, जैसे कि देखिए, वैसे तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताया था, बट ये डिटेल वीडियो होगा जिसमें मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जीन्स हो गया, एलील्स हो गया, क्रोमोजोम, क्रोमेटिड, कब होमोलोगस क्रोमोजोम कहते हैं, कब नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम कहते हैं, कब सिस्टर क्रोमेटिड होता है, कब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, ईच एंड एवरी टर्म्स मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि जब अब इसके बाद जब आप जेनेटिक्स एक्चुअली में पढ़ना स्टार्ट करिए तो कहीं भी आपको ये ना सोचना पड़े कि नहीं, इस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम हो रही है या फिर ये टर्म मेरे लिए क्लियर नहीं है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे चैनल का मेन मोटो है आपका बेसिक क्लियर करना, तो मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करती हूँ और मेरा कंटेंट भी बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में यूज़ करती हूँ, ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो। तो आइए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको जेनेटिक्स को में जो टर्म्स यूज़ हुए हैं, होते हैं फ्रिक्वेंटली, वो समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो टर्म जेनेटिक्स कहाँ से डिराइव हुआ था, तो ये जो टर्म है जेनेटिक्स डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड जीनो, जीनो मीन्स गिव बर्थ। एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में छोटे छोटे बात आपको समझाती हूँ, मैं सारा कैपिटल लेटर यूज़ करती हूँ, बट मैंने जीनो आपको स्मॉल लेटर से लिखा है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीक वर्ड होते हैं, इटालियन वर्ड्स होते हैं, बोटैनिकल नोमेनक्लेचर होते हैं, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर होते हैं, ये सब जो साइंटिफिक नाम आप लिखते हैं तो वो इंडियन लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता है, वो इटालियन में होता है, तो इस वजह से आपको स्मॉल लेटर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो जेनेटिक्स डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड जीनो मीन्स गिव बर्थ, ठीक है। ब्रिटिश साइंटिस्ट विलियम वेटसन फर्स्ट सजेस्टेड द वर्ड जेनेटिक्स, सबसे पहले किन्होंने ये वर्ड सजेस्ट किया, तो विलियम वेटसन ने, और उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, उन्होंने बताया कि द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड साइंस ऑफ वेरिएशन। जेनेटिक्स को डिस्क्राइब किया कैसे, तो उन्होंने बताया कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड साइंस ऑफ वेरिएशन के स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अभी मैं आगे और अच्छे से टर्म क्लियर करूँगी। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, और अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दीज ऑफस्प्रिंग्स डू नॉट कम्प्लीटली रिजेंबल देयर पेरेंट्स, और ये जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो बिल्कुल डिटो कॉपी अपने पेरेंट्स के नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ होते हैं और कुछ ना कुछ उसमें डिससिमिलरिटीज़ भी होते हैं। रिजेंबल मीन्स समानता होता है। तो ये जो ऑफस्प्रिंग है, आप जो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल डिटो कॉपी तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेज हैं, बहुत सारे कैरेक्टर मिलते भी हैं और बहुत सारे नहीं भी मिलते हैं। तो ये जो डिफरेंसेज है, दीज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेम स्पीसीज, मीन्स आदमी का बच्चा आदमी ही होना चाहिए, डॉगी का बच्चा डॉगी ही होगा, तो सेम स्पीसीज, दीज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेम स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन। इसी को क्या कहते हैं, वेरिएशन। यही डिफरेंसेज क्या कहलाता है, आपका वेरिएशन। तो ये टर्म क्लियर हो गया होगा, वेरिएशन। द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स, resemblances as well as differences from parental generation to the offspring is called heredity. Heredity किसे कहते हैं, तो ये जो mechanism होता है ट्रांसमिशन ऑफ characters का, जो traits का, ये जो समानता है हमारे पेरेंट्स से, और जो differences है, resemblances as well as differences from parental generation to the offspring is called heredity. ठीक है। The scientific study of heredity, variations and environmental factors responsible for these is known as genetics. और इसी की साइंटिफिक स्टडी मीन्स हेरिडिटी, आपको टर्म अब क्लियर हो गया होगा, वेरिएशन भी क्लियर हो गया होगा, और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होते हैं, जैसे कि बहुत समय पहले एसी का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता था, उस समय उतनी गर्मी नहीं होती थी, बट जैसे जैसे टाइम पास होता गया वैसे वैसे गर्मी बढ़ती गई है। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो एसी के बिना नहीं रहना चाहते होंगे, तो ये क्या हुआ, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो उनको बदलने के लिए मजबूर करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी को ही क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स। तो तीन टर्म मैंने क्लियर किया आपका, जेनेटिक्स क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है और हेरिडिटी क्या होता है। अब आइए
हेरिडिटी और इनहेरिटेंस वो लोग पैरेलल बेसिस पे यूज़ करते हैं, बट बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है दोनों में, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस में। वो थिन लाइन डिफरेंस क्या है, देखिए, हेरिडिटी इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ पासिंग जेनेटिक ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ये जो ओवरऑल प्रोसेस होता है पासिंग जेनेटिक ट्रेट्स का, कैरेक्टरिस्टिक का, जो भी ट्रेट को ही कैरेक्टरिस्टिक को ही ट्रेट बोला जाता है, कोई गुण या दोष या फिर अवगुण जो भी पास होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उस ओवरऑल प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हेरिडिटी। ऑल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व इन दिस ट्रांसमिशन, और जितने भी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इस ट्रांसमिशन में। इट डिस्क्राइब्ड एज वर्टिकल ट्रांसमिशन। अब यहाँ एक टर्म आया वर्टिकल, वर्टिकल मीन्स तो हमारे जो पूर्वज हैं, मीन्स हमारे परदादा से कुछ करेक्टर ट्रांसफर होकर दादाजी में आया, दादाजी से कुछ करेक्टर ट्रांसफर होकर हमारे पेरेंट्स पापा में आया, पापा से ट्रांसफर होकर हमारे अंदर आया, तो ये वर्टिकली चलता है। तो इस ट्रांसमिशन को क्या बोलता है, बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, विच इंक्लूड बोथ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन ट्रेट्स और करेक्टरिस्टिक्स, जो कि जेनेटिक और इन्वायरमेंटल इफेक्ट दोनों को इंक्लूड करता है किसी भी ट्रेट या करेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करना। ठीक है, हेरिडिटी टर्म क्लियर हो गया। अब इनहेरिटेंस, अब ये जो करेक्टरिस्टिक है, ये जो ट्रेट है, ये जो गुण या दोष है, वो कैसे पास होता है, कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, कौन सा पाथवे फॉलो होता है, उसी को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। इट डिस्क्राइब्स हाउ दीज जेनेटिक ट्रेट्स और करेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड एंड पास डाउन थ्रू जनरेशन। इट फोकसेज ऑन पैटर्न्स ऑफ ट्रेट ट्रांसमिशन सच एज डोमिनेंट और रिसेसिव। ये जो करेक्टर हैं वो कुछ ना कुछ जीन तो उसमें इन्वॉल्व होगा ही, और उस जीन में कौन सा एलील, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, डोमिनेंट एलील क्या होता है, रिसेसिव एलील क्या होते हैं, तो कौन सा एलील इसमें इन्वॉल्व हुआ है, उस पैटर्न को इनहेरिटेंस बताता है। ठीक है, इनहेरिटेंस डिटेल्स द एक्सप्रेशन एंड पाथवे ऑफ दीज ट्रेट ट्रांसमिशन। ये जो इनहेरिटेंस है, ये पैटर्न है, वो डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है किसका, एक्सप्रेशन एंड पाथवे ऑफ दीज ट्रेट ट्रांसमिशन, ये करेक्टरिस्टिक जो ट्रांसमिट होता है उसके बारे में। ठीक है, तो कितना थिन लाइन डिफरेंस है, हेरिडिटी हुआ किसी करेक्टरिस्टिक का पास ऑन होना जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऑफ स्प्रिंग में, इनहेरिटेंस की वो करेक्टरिस्टिक कैसे पास ऑन होता है, वो पाथवे क्या है, वो पैटर्न क्या है। ठीक है, अब आइए यहाँ से दो टर्म निकल के आए, जीन्स एंड एलील्स। तो जीन्स और एलील्स क्या होते हैं, तो जीन्स आपका क्या होता है, जीन्स आर फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर स्पेसिफिक ट्रेट और करेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले तो आपको जीन और एलील समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, ये देखिए ये वाला डायग्राम, सबसे पहले ये जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए ये है आपका न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियोलस, और यही आपका क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, और इसी क्रोमोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर आपको नीचे है, ये क्रोमोसोम का एंड मैं भी एक बार और आपको बताऊंगी, टेलोमियर होता है, बीच में सेंट्रोमियर होता है, अगेन टेलोमियर। तो इसी क्रोमोसोम में आपका डीएनए जो है वो क्या होता है, रैप्ड होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ से हिस्टोन प्रोटीन दिख रहा है, क्रोमेटिन न्यूक्लियोसोम, तो बाकी उतना अभी मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगी। और यही इसी थ्रेड को जब थोड़ा सा और जूम किया जाता है तो देख रहे हैं ये डीएनए ऑफ डबल हेलिक्स शो हो रहा है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा। तो ये जो जीन होता है, जितने भी सेगमेंट क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, सपोज कीजिए ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा रीजन, या फिर यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ, ये देखिए ये अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो ज़रूरी नहीं कि कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रक्चर आपका डीएनए से आरएनए बनता है जिसे ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है जिसे ट्रांसलेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि कंप्लीट सेगमेंट जो है होल डीएनए ही प्रोटीन बनाता हो, उनके कुछ कुछ सेगमेंट बनाते हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ये जो रीज़न है ये हुआ आपका फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। यहाँ पर कुछ कोड करता होगा कोई न्यूक्लियोटाइड, ए जी सी टी कुछ भी, और इसी से ये जो पोर्शन बना वो आरएनए बना देता है। ठीक है, तो जब डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो डीएनए का वो पार्ट, मीन्स ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए और डीएनए का ये पार्ट जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होता है, इसी फंक्शनल सेगमेंट को क्या बोला जाता है, जीन। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जीन्स आर फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर स्पेसिफिक ट्रेट और करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एंड ईच जीन, जितने भी जीन होते हैं, ईच जीन कैन हैव मल्टीपल फॉर्म्स, मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं, जिसे हम एलील का नाम देते हैं, नोन एज एलील, विच आर लोकेटेड एट सेम लोकस और पोजिशन ऑन क्रोमोजोम, जो कि सेम लोकस, लोकस मीन्स क्या होता है, लोकेशन, क्रोमोजोम जो पोजिशन होता है
उसको क्या कहा जाता है, लोकस कहा जाता है। अभी मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, ये क्या है आपका, ये एक, ये दो होमोलोगस क्रोमोजोम है। होमोलोगस नॉन होमोलोगस कैसे करता है हमें पता है कि इससे पहले एक वीडियो में मैंने कैरियोटाइप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ एक बार उसको भी सुन सकते हैं तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ह्यूमन में आपको पता है कि 46 क्रोमोजोम होते हैं, जिसे 23 पेयर्स का नाम दिया जाता है। उस 23 पेयर में 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम आपका क्या होता है, ऑटोजोम, और वन पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम। तो 1 से लेकर 22 क्रोमोजोम जितना भी है, तो हर एक क्रोमोजोम का अपना एक पार्टनर होगा। जैसे क्रोमोजोम 1 2 होगा, क्रोमोजोम नंबर 2 भी 2 होगा, क्रोमोजोम नंबर 3 भी 2 होगा। तो हर एक क्रोमोजोम पेयर में होता है, ठीक है। और क्रोमोजोम 1 का ही जो दूसरा पार्टनर क्रोमोजोम 1 होगा, उसी को क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोजोम कहेंगे, ठीक है। तो उसमें से ये आपको दिख रहा है क्या, बिफोर रेप्लिकेशन वाला पोर्शन। बिफोर रेप्लिकेशन और आफ्टर रेप्लिकेशन में क्यों बोलती हूँ, क्योंकि आफ्टर रेप्लिकेशन ये जो क्रोमोजोम होता है वो अपने ही जैसा एक रेप्लिका कॉपी बनाता है। वो भी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप इतना समझिए कि ये एक क्रोमोजोम है, कौन सा, क्रोमोजोम नंबर 1, और ये दूसरा क्रोमोजोम है, ये भी क्रोमोजोम नंबर 1 ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी क्रोमोजोम हैं 1 से लेके 22 तक वो पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो 23rd वाला होता है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है। अगर फीमेल है तो XX क्रोमोजोम होगा, और अगर मेल है तो XY क्रोमोजोम होगा, समझ रहे हैं। तो क्रोमोजोम का ये वाला पार्ट सपोज कीजिए, यहाँ पर कोई आपका जीन है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA जिसे मैंने आपको बताया, तो ये जीन आपको कोड कर रहा है। यहाँ देखिए क्या, AGCT, ये है आपका डबल स्टैंडर्ड DNA, और ये बनाता है mRNA और ये प्रोटीन। ये जो पोर्शन है फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA, इसी को मैंने आपको बताया जीन, और ये कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरा बात, ये अगर AGCT सीक्वेंस है और ये है होमोलोगस क्रोमोजोम का ये दूसरा पोर्शन, तो क्रोमोजोम नंबर 1 का दूसरा पार्ट, तो यहाँ पर मैंने आपको स्मॉल टी लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है AGCT, सपोज कीजिए यहाँ पर जी के पास कोई म्यूटेशन हो गया हो, तो ये बदल के क्या हो गया, ACCT हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली में मान लीजिए ये अगर टी, कैपिटल टी आपका क्या है, टॉल करेक्टर को अगर एक एग्जांपल लीजिए, हाइट ऑफ द प्लांट को अगर डिनोट कर रहे हैं, तो अगर ये टॉल करेक्टर गवर्न कर रहा है, तो इसमें अगर कोई म्यूटेशन हो गया तो ये स्मॉल टी हो जाता है, मीन्स उस कैपिटल टी का वेरिएशन हो जाता है म्यूटेशन की वजह से। तो हो सकता है कि साइलेंट म्यूटेशन हो गया हो, तो DNA, mRNA और प्रोटीन तो बनाए, बट एक्चुअली में जो टॉल कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं बना रहा है, वो स्मॉल टी क्या कर देता है, वो ड्वार्फ बना देता है, मीन्स छोटा प्लांट बना देता है, ठीक है। तो यही जो वेरिएशन है, मीन्स एलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। ये जो कैपिटल टी का जो अल्टरनेटिव फॉर्म है स्मॉल टी, जो कैसे क्रिएट हुआ, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, इसी को क्या कहा जाता है, एलील। एलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन प्रेजेंट एट सेम लोकस, मीन्स सेम लोकस मीन्स एलील के लिए एक कंडीशन है कि लोकस आपका सेम ही होना चाहिए। अल्टरनेटिव फॉर्म टी का, ये अल्टरनेटिव फॉर्म स्मॉल टी है, कैपिटल टी का अल्टरनेटिव फॉर्म स्मॉल टी है, तो लोकस सेम होना चाहिए क्रोमोजोम पर। अगर ये यहाँ पाया जाता है कैपिटल टी, तो स्मॉल टी भी यही होना चाहिए, होमोलोगस क्रोमोजोम तो होना चाहिए। लेकिन एक और कंडीशन है कि वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होना चाहिए। अब सिस्टर क्रोमेटिड क्या हुआ होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, तो एक टर्म से निकल के ही दूसरा टर्म आता है। तो हर एक छोटे छोटे चीज़ पे आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो समझ में आ गया, जीन क्या होता है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA, और एलील्स क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को बोला जाता है। और ये अल्टरनेटिव फॉर्म क्यों अराइज होता है, तो बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। और ह्यूमन, अगर आदमी की बात की जाए, तो ह्यूमन इनहेरिट 2 एलील्स फ्रॉम ईच पेरेंट। ह्यूमन जो है वो 2 एलील को कैरी करता है, एक मदर से और एक फादर से। तभी किसी कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप पढ़ते होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर अगर सीड के राउंड शेप की बात करें तो कैपिटल आर मीन्स एक पेरेंटल फादर साइड से आता है और एक मदर साइड से, ठीक है। अब ये क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है, डबल यहाँ आपको दिख रहा है। ये जो एंड वाला पोर्शन क्या है, टिलोमियर। ये छोटा आर्म क्या है, शॉर्ट आर्म। ये बीच में किससे अटैच्ड है, सेंट्रोमियर से। ये बड़ा वाला आर्म क्या है, लॉन्गर आर्म। और ये दोनों क्या है आपका, सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये कब है, ये आफ्टर रेप्लिकेशन का पोर्शन है। अभी देखिए, मैं अब थोड़ा सा अपने तरीके से आपको समझाना चाहती हूँ। ये देखिए, बिफोर रेप्लिकेशन आपको एक क्रोमोजोम नंबर 1 ये हो गया, क्रोमोजोम नंबर 2 ये हो गया,
ये कब है? बिफोर रेप्लिकेशन। जब रेप्लिकेशन होता है तो आफ्टर रेप्लिकेशन ये क्रोमोजोम नंबर 1 भी अपने ही जैसा एक रेप्लिका कॉपी बनाएगा और क्रोमोजोम नंबर 2 भी अपने ही जैसा रेप्लिका कॉपी बनाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्रोमोजोम नंबर 1 का रेप्लिका कॉपी बना है, ठीक है, और ये है क्रोमोजोम नंबर 2 का रेप्लिका कॉपी बना है। अब इसमें आपको दो क्रोमेटिड दिख रहे हैं, तो ये क्रोमोजोम नंबर जो ये 1 का पर्पल वाला है वो दोनों क्या कहलाएगा आपको? थोड़ा सा मैं इसको और जूम करते हैं, यहाँ देखिए ये जो क्रोमोजोम नंबर 1 का रेप्लिका कॉपी बना है जो कि यहाँ पर किससे अटैच्ड है? सेंट्रोमियर से। इसको क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। और ये क्रोमोजोम नंबर 2 का सिस्टर क्रोमेटिड है, दोनों ग्रीन ग्रीन, और ये एक पर्पल, यहाँ देखिए ये एक पर्पल और एक ग्रीन, ये दोनों क्या हो गया आपका? यहाँ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इसको क्या कहते हैं? क्योंकि ये क्रोमोजोम नंबर 1 है और ये है क्रोमोजोम नंबर 2, ठीक है। तो अब सिस्टर क्रोमेटिड किसको कहेंगे और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसको कहेंगे? तो अभी जो मैंने आपको ये वाला डायग्राम एक्सप्लेन किया, ये वाला, ये क्या है? ये होमोलोगस क्रोमोजोम तो है, ठीक है, हमें पता है कि पैर में होता है क्रोमोजोम। ये भी आपका क्या है? क्रोमोजोम नंबर 1 ही है, ये भी आपका क्रोमोजोम नंबर 1 ही है। बट ये जो है इन सेंट्रोमियर डिफरेंट है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है। तो एलील होने के लिए 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना है। क्या? तो एलीलिक वेरिएंट, क्योंकि अगर इस टी का सेम रेप्लिका कॉपी बनेगा तो कैपिटल टी ही होगा, तो ऑब्वियस तो कोई वेरिएशन हुआ, कोई अल्टरनेटिव फॉर्म हुआ नहीं। तो एलील होने के लिए एक कंडीशन है कि होमोलोगस क्रोमोजोम तो होना चाहिए बट उनका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होना चाहिए। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कब होगा? जैसे कि ये क्रोमोजोम अटैच्ड है, यहाँ देखिए ये सेंट्रोमियर से, ये सेंट्रोमियर सेम नहीं है, ये देखिए ये क्रोमोजोम नंबर 1 का सेंट्रोमियर है, यहाँ ये क्रोमोजोम नंबर 2 का सेंट्रोमियर है, और ये एक पर्पल वाला क्रोमेटिड और एक ग्रीन वाला क्रोमेटिड दोनों मिलके क्या बना रहा है आपका? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और ये दोनों पर्पल, ये देखिए ये दोनों पर्पल आपका क्या हुआ? सिस्टर क्रोमेटिड। क्यों सिस्टर क्रोमेटिड हुआ? क्योंकि ये सेंट्रोमियर से, सेम सेंट्रोमियर से अटैच्ड है। तो आपका जो एलील होता है वो होमोलोगस क्रोमोजोम तो होना चाहिए। क्रोमोजोम नंबर अगर हम 1 के जगह कोई 4 भी ले लिए, मान लीजिए क्रोमोजोम नंबर 4 ले लिए, क्रोमोजोम नंबर 4 का दोनों पार्ट तो होना चाहिए, बट वो जो लोकस भी सेम होना चाहिए बट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होना चाहिए, ठीक है। तो यही क्रोमोजोम नंबर 1 का क्रोमोजोम पैर में होता है जैसे, तो क्रोमोजोम नंबर 1 ये 1, ये एससी मिस सिस्टर क्रोमेटिड, ये एससी मिस सिस्टर क्रोमेटिड, और ये क्रोमोजोम नंबर 1 का एक इस साइड से, एक इस साइड से, ये क्या हो गया? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। उसी तरह ये ग्रीन वाला पोर्शन हो गया, और ये जो क्रोमोजोम नंबर 1 और क्रोमोजोम नंबर 2 है ये क्या हो गया आपका? ये हो गया नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। ये दोनों क्या हो गया? होमोलोगस क्रोमोजोम एचसी, और ये क्रोमोजोम नंबर 1 और क्रोमोजोम नंबर 2 आपका क्या हो गया? नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। तो होमोलोगस और नॉन होमोलोगस मीन्स क्या होता है? होमो मीन्स सेम और लोगस मीन्स ओरिजिन, मीन्स अगर ओरिजिन सेम है तो होमोलोगस क्रोमोजोम कहेंगे, और ओरिजिन अगर डिफरेंट है तो नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम कहेंगे। और ठीक उसी तरह यहाँ पर आपका ये क्या हो रहा है? ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपको शो हो रहा है। कैसे? एक पर्पल वाला है, एक ग्रीन वाला है। तो अब आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, होमोलोगस नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, जीन्स क्या होता है, एलील्स क्या होता है, ये सारे टर्म्स बच्चों यूज़ होता है, मेंडेलियन जेनेटिक्स से ही स्टार्ट होता है। बट बच्चे स्टार्ट तो कर देते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ना, बट ये सारे टर्म्स क्लियर नहीं होता है उनका। एक और टर्म है क्या? होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, और जाइगस मीन्स जेनेटिक मेकअप या फिर एलिलिक वेरियंट्स। तो अब देखिए ये जाइगस क्या है? जाइगस मीन्स जेनेटिक मेकअप एट स्पेसिफिक लोकस, एंड मीन्स दैट इज एलिलिक वेरियंट्स एट सेम लोकस। एलील होने के लिए लोकस सेम होना चाहिए, यहाँ देखिए ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, तो अल्टरनेटिव फॉर्म है तो लोकस अलग है क्या? बिल्कुल नहीं, लोकस बिल्कुल सेम होना चाहिए तभी हम एलील बोलेंगे। अगर लोकस चेंज हुआ तो फिर वो जीन हो जाएगा। सपोज करिए ये लोकस एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो यहाँ पर तो मैंने टी ही शो किया है क्योंकि अभी मुझे कुछ और समझाना है लेकिन, बट अगर ये लोकस टी टॉल करेक्टर को शो करता है और ये लोकस आर, कैपिटल आर, राउंड सीट के राउंड शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा, तब हम उसे एलील नहीं कहेंगे। एलील होने के लिए क्या होना चाहिए? होमोलोगस क्रोमोजोम तो है ही, दोनों क्रोमोजोम नंबर 1, क्रोमोजोम नंबर 1, बट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होना चाहिए। नॉन सिस्टर कैसे कहेंगे? इसका सेंट्रोमियर अलग है, इसका सेंट्रोमियर अलग है,
और लोकस क्या है, सेम है, ये कैपिटल टी का लोकस सेम है, ये स्मॉल टी का लोकस सेम है, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी का लोकस सेम है। तो कौन कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है यहाँ पर, एलिलिक वेरियंट्स एट सेम लोकस ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। ठीक है, अब यहाँ पर दो टर्म है आपका, होमोजैगस एंड हेट्रोजैगस। कब हम होमोजैगस कहेंगे और कब हेट्रोजैगस कहेंगे, तो व्हेन बोथ एलील्स एट सेम जीन और लोकस आर आइडेंटिकल। जब दोनों एलील ऑफ सेम जीन मीन्स एक ही जीन का, सेम जीन मीन्स लोकस ये सेम है, ये भी लोकस सेम है, ये भी कैपिटल टी से शो कर रहा है और इसी का दूसरा वेरियंट क्या है, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी और कैपिटल टी अगर सेम है तो उसको हम कहेंगे होमोजैगस डोमिनेंट, और अगर स्मॉल टी है तो इसको क्या कहेंगे, होमोजैगस रिसेसिव। टी के जगह आप कैपिटल आर भी ले सकते हैं जो राउंड शेप के लिए होता है, किसी भी करेक्टरिस्टिक का डोमिनेंट। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कैपिटल टी ही डोमिनेंट हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कैपिटल टी को डोमिनेंट माना जाएगा और स्मॉल टी को रिसेसिव करेक्टर माना जाएगा। दोनों अगर सेम है तो होमोजैगस कहा जाएगा, और अगर दोनों डिफरेंट है, व्हेन एलील्स, यहाँ देखिए व्हेन एलील्स एट सेम जीन लोकस आर डिफरेंट, यहाँ देखिए ये लोकस सेम है, सेम जीन लोकस है, बट यहाँ कैपिटल टी है जो डोमिनेंट करेक्टर को शो कर रहा है, यहाँ स्मॉल टी है जो रिसेसिव करेक्टर को शो कर रहा है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलकर क्या बना जाएगा, हेट्रोजैगस। तो होमोजैगस क्या होता है, हेट्रोजैगस क्या होता है, समझ में आ गया। ये देखिए यहाँ पर उसी चीज़ को समझाया इन्होंने, कैपिटल बी आपका होमोजैगस है, स्मॉल बी, स्मॉल बी ये भी होमोजैगस है, और एक कैपिटल बी स्मॉल बी मिलके क्या बना देता है, कैपिटल बी स्मॉल बी हेट्रोजैगस, स्मॉल बी कैपिटल बी हेट्रोजैगस। ठीक है, तो ये तो सिर्फ ऐसे ही डायग्राम इन्होंने बता दिया, मैंने आपको बताया कि एलील होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तो ये दोनों तो होमोलोगस क्रोमोजोम होना चाहिए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होना चाहिए। नॉन सिस्टर कब हम बोलेंगे, जब सेंट्रोमियर दोनों का अलग अलग होगा। तो मैक्सिमम केसेस में बुक्स में या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज पे आप देखेंगे तो हर एक जगह एक ही क्रोमेटिड शो किया जाता है। ठीक है, दोनों क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड आपका अलग है, ये क्रोमेटिड अलग है, ये क्रोमेटिड अलग है, तो जनरली ऐसा ही डायग्राम आपको शो होगा। ठीक है, क्रोमोजोम क्या होता है, क्रोमेटिड देखिए यहाँ पर एक और डायग्राम देख लीजिए आप, जैसा कि मैंने बताया ये है आपका बिफोर रेप्लिकेशन, ये है आफ्टर रेप्लिकेशन, ये दोनों क्या है, शॉर्ट आर्म को पी आर्म बोला जाता है, ये सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म बोला जाता है, एंड को टेलोमियर बोला जाता है, यहाँ भी एंड होगा, और ये काइनेटोकोर से अटैच्ड होते हैं, और इसी दोनों को क्या बोला जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोमियर एक ही सेंट्रोमियर से दोनों क्रोमेटिड अटैच्ड है। तो अब टर्म क्लियर हो गया बच्चों, एक और डायग्राम देखिए, यहाँ भी वही है, क्या है ये देखिए, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये आपका बड़ा वाला लॉन्ग आर्म है, बीच में सेंट्रोमियर है, ये है शॉर्ट आर्म, ये टेलोमियर, ये येलो वाला पोर्शन। कितना छोटा छोटा टर्म्स है जिसे क्लियर होना चाहिए बच्चों को, ताकि आप जेनेटिक्स को जब पढ़ना स्टार्ट करिए या फिर तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगे। जब टर्म ही क्लियर नहीं होगा तो वो इंटरेस्ट कहाँ से जगेगा। तो मेरी कोशिश रहती है कि कितना सिंपलेस्ट वे में आपको समझाऊँ, और जहाँ ज़रूरत होता है तो मैं हैंड रिटन डायग्राम भी शो करती हूँ, और थोड़ा बहुत मैं बुक से या फिर कहीं से भी ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी आपको डायग्राम शो करने की कोशिश करती हूँ, बट वो डायग्राम बहुत ही सिंपलेस्ट होता है। ठीक है, और जेनेटिक्स मैंने स्टार्ट किया है तो अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तब भी, एमएससी के स्टूडेंट हैं तब भी, हर एक बच्चों का प्लेलिस्ट अलग अलग होगा, आप अपना टॉपिक अपने अपने प्लेलिस्ट के थ्रू सर्च करिएगा। इसी चैनल पे मैं सीएसआईआर नेट का भी प्रिपरेशन करवाऊंगी, इसी चैनल पे मैं सेट लाइफ साइंस स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, जो हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि मोर और लेस दोनों का सिलेबस सेम ही है सीएसआईआर नेट का। तो अब आपको बच्चों कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, सारा नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल पर, साइंस बेसिक जूलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल है जो बीएससी एमएससी के बच्चे हैं उनके लिए, और जो लाइफ साइंस के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए साइंस बेसिक्स लाइफ साइंस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ मैं शेयर कर दिया करती हूँ। तो बच्चों अगर मेरी वीडियोस, मेरा ये कंटेंट, मेरे पढ़ाने का तरीका कहीं से भी आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं मेंडेलियन जेनेटिक्स स्टार्ट करूँगी, ताकि अब आपको सारा टर्म बिल्कुल क्लियर रहे। ठीक है, एक से दो बार तीन बार आप सुन लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं रिकमेंड करती हूँ कि हर एक बच्चे पहले डिटेल वीडियो देखा करिए, तब शॉर्ट्स पे आइए, क्योंकि शॉर्ट्स सिर्फ आपको टर्म इंट्रोडक्शन बता सकता है, थोड़ा बहुत रिवीजन में हेल्प कर सकता है, बट डिटेल कॉन्सेप्ट आप डिटेल वीडियो से ही गेन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।